हालात हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा। लेकिन जिस तरीके से जो 3 कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया, लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंतोगत्वा वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे, वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड, बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है, इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, अन्न संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष जी और सब लोगों ने। कहां पर ये हम दोनों बैठ करके तय कर लेंगे, बहुत जल्दी। कुछ आज तय हो जाएगा, कुछ कल तय, कल तक आप देखेंगे सब तय हो जाएगा। ये गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी संस्कृति को मिल करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं, नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर के, यहां सवाल ये नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला,
हम दोनों मिलकर के किसानों के हक और सम्मान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने ही मुद्दे उठा रही है, उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस समय आगे कैसे बढ़ें, जहां बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं। आप देखिए क्या हुआ है बिहार में, क्या हुआ है अयोध्या प्रयागराज में, कितने बड़े पैमाने पर नौजवान बाहर निकल करके आए। किसकी जिम्मेदारी थी परीक्षा को सही ढंग से कराना? आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के जो आंदोलन कर रहे नौजवान, कितना अपमानित होना पड़ रहा है उन्हें। सवाल यह है कि नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं करना चाहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है? वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हो कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहाँ जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। ये प्रिविलेज अगर किसी पर है किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का तो भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, किस कोई भी ट्विस्ट कर सकती है। ये तो क्योंकि विभाग मेरे पास नहीं है, विभाग तो केंद्र सरकार के पास है, वही बता सकते हैं। चुनाव से पहले बहुत सारे लोग जाते और आते हैं, जिन पर व्यापक समर्थन था, जिनके पास व्यापक जन समर्थन, जनता खड़ी थी साथ, वो देखिए समाजवादियों के साथ आए कि नहीं आए। अभी तक उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। किसकी आप किस पड़ोस में रहते हो? मैं उस पड़ोस में नहीं रहता, ना मेरा घर है वहाँ। देखिए पर्चे पर समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझ करके और जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, उनसे राय मशवरा कर करके ये फैसला लिया है कि घरेलू बिजली और आम लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन की सरकार बनने के बाद फैसला लेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग जानते होंगे, 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी के आपने स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर वो कारखाने बन गए होते तो आज उत्तर प्रदेश में इतने महंगे बिजली के बिल नहीं देने पड़ते। इसलिए सिंचाई माफ और 300 यूनिट माफ होगी, फ्री मिलेगी, बिल नहीं आएगा। और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो सरकार को बिजली मिलती है वो सस्ती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं केवल एक बिजली के कारखाने का जो नेताजी के समय पर उत्तराखंड में श्रीनगर में लगा था, आज भी उसकी बिजली सबसे सस्ती है। जो एनटीपीसी से पुरानी बिजली उत्तर प्रदेश को मिलती है वो भी बहुत सस्ती है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दो बार सरकार बन गई, उसके बावजूद भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया। और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने तय किया कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम भी बिल आधा करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि अगर आज आधा बिल कर रहे हो तो आपने 4.5 साल क्यों वसूला पैसा? क्या आप जनता का पैसा वापस करोगे? और बिजली के कारखाने का नाम अगर एक बार भी सुना हो मुख्यमंत्री के मुंह से तो बता दो, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। वो अभी तक 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। सबके लिए है, सबके लिए। गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर होगा और किसान को कभी भी 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार पार्टियों ने ये वादे किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अगर आपको याद होगा, जिस समय कारखानों को संकट के से गुजरना पड़ रहा था, उस समय पहली बार 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के किसानों का भुगतान कराया था। इसीलिए मैंने कहा कि फार्मर्स कॉर्पस फंड अगर बनाना पड़ेगा तो बजट से फार्मर्स के लिए कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिससे किसान को इंतजार न करना पड़े, किसान को चीनी मिल के सामने धरना देना न देना पड़े। देवबंद में पुराने वाले नहीं, पुराने वाले राणा। देखिए, ये बड़े सवाल हैं, आरक्षण वाले बड़े सवाल हैं। मूल भावना से नहीं खिलवाड़ होनी है। और जिस समय समाजवादी सरकार थी तो लाभकारी योजनाओं में भी हर वर्ग के लोगों को आबादी के हिसाब से देने का प्रयास किया गया था। मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि 22 की सरकार अच्छी होगी, बेहतर होगी और किसानों के और नौजवानों के हित में होगी। हाँ, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही समाजवादी पार्टी कोई अच्छा काम तय करती है या अच्छे काम के लिए फैसला लेती है जनता के लिए, उसी समय मुख्यमंत्री जी की भाषा बदल जाती है। पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए बाकायदा पूरा तैयारी के साथ, मैंने लखनऊ में भी प्रेस के सामने कहा कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो वित्त विभाग में बहुत अनुभव के साथ पहले से काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो रिटायर हो गए हैं और कर्मचारी जितने भी उनके संगठन है उनसे समय समय पर बात हुई है, उनसे और वित्त विभाग के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं एक्सपर्ट, उनके बीच में बातचीत के बाद ही फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए अगर बजट से भी पैसा कॉर्पस फंड के लिए देना पड़ेगा तो सरकार में दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बेहतरीन सुरक्षा होगी, उनके लिए पहले भी सुरक्षा देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। अरे, उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं? देखिए, उनके हालात कैसे हैं उनके, सोचो, न्योता देना पड़ रहा है।